दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय अशोका इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में स्थित हैं, और ये देखिए कि एक उपकरण बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और आपको बता दें कि वोटिंग देने के लिए और वोट फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये अत्याधुनिक उपकरण बनाए गए हैं। और देखिए इसमें सारी चीज़ व्यवस्था है, इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, और जो वोट देने आएंगे उनको स्याही लगाने के लिए भी यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे पूरा जो उनका पर्चे पत्र होगा वो वेरीफाई करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसने बनाया है, क्यों बनाए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोविड का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और चुनाव आयोग लगातार सक्रियता से काम भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ओमिक्रॉन भी चला है, तमाम लोग मर रहे हैं, उसके लिहाज से इन छात्र उत्कर्ष त्रिपाठी हैं जो आविष्कार किए हैं। और आपको बता दें कि ऐसे होनहार छात्र बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब किसी को उपलब्धि हासिल होती है तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है, थोड़ा हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन लगे, कितनी लागत से बना है, सारे चीज़ हम जो ये बना है हम उनसे ही जानेंगे। जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अंशु त्रिपाठी है। हाँ, मैं अशोका इंस्टीट्यूट का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। मैं ब्रांच मेरा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये बताइए कि ये क्यों बनाने की आपके अंदर प्रतिभा है? इसको बनाने का एक ही रीज़न था, पूरी वर्ल्ड वर्चुअल हो चुकी है, वर्चुअल वर्ल्ड पूरा AI के थ्रू सब कुछ हो रहा है। जैसे कि अब वो ज़माना रहा नहीं कि अब आप भीड़ भड़ाका हर जगह करें, और वैसे भी कोरोना को देखते हुए मेन इसका मकसद यही था, कोरोना को देखते हुए, और सरकार का बहुत पैसा भी लगता है इन सब चीज़ों के जुगाड़ में, इन सब चीज़ों का प्रबंध करने में, तो इसको देखते हुए इसको मैंने बनाया। ठीक है, आप इसका क्या नाम रखे हैं और कैसे काम करेगा ये बताइए। इसका नाम मैंने रखा है ऑटोमेटिक वोटिंग बूथ रोबोट। इसका वर्किंग प्रोसेस एकदम ईजी है। मैं जैसे जो अधिकारी होंगे उनके मोबाइल से ये कनेक्ट रहेगा, ये पूरा रोबोट वो मोबाइल से कनेक्ट होगा, कनेक्टेड रहेगा हमेशा। ठीक, उसके बाद फिर जब वोटर आएंगे इसके सामने वेरीफाई करने को बोलेगा, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन देगा कि वेयर अ मास्क एंड यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है, उसके बाद वो जब आगे बढ़ेंगे देन ये वेरीफाई करेगा वोटर आईडी या आधार कार्ड जो भी उसके पास होगा, वो जब वेरीफाई करेगा तो फिर उधर से जो होंगे मेन अधिकारी होंगे वो बोलेंगे कि आप जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं। फिर वो जब फिर यहाँ से वेरीफाई होके फिर जाएंगे वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उंगली लगाएंगे, यहाँ पे CI लग जाएगी अपने आप। वो CI के लिए भी अलग से एक लोग को बैठाया जाता है। मैंने एक बार वोट दिया है लास्ट टाइम, तो मैंने देखा था कि CI के लिए भी अलग से एक लोग बैठे हुए थे, वो CI के लिए अलग से CI लगा रहे थे, तो वो भी एक इसी बताइए कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ी की बात करते हैं जी, सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक स्याही लगाने के लिए अलग होते जी, हैं जी। बूथ का जो एक लिस्ट होता है उसको देखने के लिए अलग होते हैं जी, जी। तो उसको कैसे मतलब कंपेयर कर पाएंगे? इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे देखिए वहाँ पे आप ह्यूमन पावर का यूज़ हो रहा है, दो तीन ह्यूमन, जैसे एक लोग को वोट डालने के लिए एक लोग बैठे हुए हैं बताने के लिए कि आपको किसको वोट डालना है वो, ऐसे ठीक है, फिर एक लोग CI लगाने के लिए होते हैं, ठीक है, और गेट पे तमाम पुलिस वाले बहुत कर्मचारियों का यूज़ होता है। ये सिर्फ अकेले ये ऐसे अकेले ही वहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये पूरा कैमरा रोटेट होता है, अगर अधिकारी वो पूरा बैठे बैठे अपने ऑफिस में से पूरा नज़र रख सकता है इसके ऊपर, ये मतलब इसका कोई गलत यूज़ तो नहीं ना कर रहा है। हाँ, अगर इसको कोई ले के भाग भी जाए कुछ भी कर ले, लेकिन इसका जो डाटा है एकदम सेफ रहेगा, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसको कितने दिन लगे बनाने में, कितनी लागत है? इसको बनाने में 2 हफ्ते लगे हैं, और इसको बनाने में वही 6,500 रुपये का लागत लगा। पहले इसमें वेरीफाई करेंगे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कैमरे से। देखिए कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं कि देखिए मैं कैमरे के सामने हूँ और पूरा ये कैमरा दिखला रहा है पूरा प्रॉपर, आगे की प्रोसेस थोड़ा सा हमें बताइए। अब यहाँ पे आके ये आधार कार्ड वेरीफाई किया, देखिए कि ये आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है, और दोनों या अधिकारी जो बैठे होंगे इस पे भी देखे जाए जी, और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है मोबाइल से, मतलब कहीं भी अधिकारी अगर बैठे होंगे तो पूरा अपडेट वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाता लाइन में लगे हैं, कैसे वोटिंग कर रहे हैं। अभी हम दिखलाने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्याही लगती है।
तो देखिए यहाँ पे ये वोट पड़ गया है और चाहे लग रही है, ये देखिए कि यहाँ पे स्याही लग चुकी है, यानी मतदान कंप्लीट हो चुका है। तो ये उत्सव का ये पूरा देखे कि कैसे बनाए हुए हैं, लगातार काम भी कर रहा है। तो लगातार इस तरह की प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।